हमारे घर की रौनक को पोषण से कुछ और सजाएं। कुछ हेल्दी, कुछ मस्ती भरा रोज खिलाएं। लाइफ को रेनबो सा रंगीन बनाएं। बस ढेर सारा प्यार और थोड़ा सा मम्मी का मैजिक। आज का स्पेशल हेली ग्रिल्ड पैर एंड ग्रिल्ड चिकन, यम्मी देसी ब्यूटन और स्ट्रॉबेरी सूफले। टाइम फ्लाइज और हमें पता भी नहीं चलता। अब देखते ही देखते ये साल भी खत्म होने आ गया। But you know what? I love this time of the year. देखिए ना, इस टाइम पे वेदर इतना अच्छा होता है और साथ ही होती हैं ढेर सारी पार्टीज। भाई पार्टीज किसको नहीं पसंद है, लेकिन पार्टीज के बाद जो ढेर सारा खाना बच जाता है वो किसी को पसंद नहीं आता, राइट? लेकिन हम इस खाने को वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। हेलो एंड वेलकम टू मामी का मैजिक। मैं हूँ अमृता रायचंद और आप सबका स्वागत है मेरे किचन में, जहाँ मैं आपको देती हूँ मैजिकल सॉल्यूशंस ऐसे ही सिचुएशंस को हैंडल करने की। तो चलिए, आज के एपिसोड को मैंने डेडिकेट कर दिया है ऑन लेफ्ट ओवर फूड्स। लेकिन आप देखिएगा ये लेफ्ट ओवर फूड्स कितने एक्साइटिंग रेसिपीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आज की हमारी पहली रेसिपी है ग्रिल्ड पेयर एंड ग्रिल्ड चिकन, जिसे मैं प्रेजेंट करूंगी एक सैंडविच की तरह और वो भी बिना ब्रेड के। साउंड्स एक्साइटिंग, राइट? इट्स वेरी एक्साइटिंग। चलिए शुरू करते हैं। एक्साइटिंग होने के साथ साथ बहुत ही आसान भी है। हम लेंगे एक बोल और उसमें सबसे पहले हम मैरिनेट बनाएंगे, ओके? तो हम लेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, सम हर्ब्स, अब एक नींबू के हम वेजेस काट लेंगे और उसे इसमें स्क्वीज कर लेंगे। नाइस। ये वेजेस हम इसलिए निकालते हैं ताकि बीज ऑटोमेटिकली ही निकल आए एंड यू डोंट हैव टू स्पेंड टू मच टाइम रिमूविंग द सीड्स। ऑल राइट, ये हो गया, इसे मिक्स कर लिया जाए। ऑल राइट, ये मैरिनेट हमारा तैयार हो गया है। अब हम लेंगे यूएसए पेयर। जी हाँ, ये पेयर आपको पूरे साल मिलता है, प्लस इट्स फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, फुल ऑफ विटामिन सी, जो आपके बच्चों आपकी फैमिलीज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये यूएसए पेयर। इसे हम एक कोरर की मदद से कोर कर लेंगे। ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो इसका बीज का सेंटर सीड पोर्शन है वो साफ हो जाए। और अब इसके हम राउंड राउंड स्लाइसेस काट लेंगे। ऑल राइट, ये स्लाइसेस हमने काट लिए हैं यूएसए पेयर के। अब हम एक ग्रिलिंग पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे और जब तक ये मेल्ट होता है हम इन पेयर के स्लाइसेस को, जो हमने मैरिनेट तैयार किया था, उसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारा मैरिनेट हमारे पेयर स्लाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। राइट, ये हमारा यूएसए पेयर मैरिनेट हो गया है। अब हम लेंगे मेरा लेफ्ट ओवर ग्रिल चिकन। जी हाँ, कल की पार्टी में ढेर सारा ग्रिल चिकन बना था एंड ढेर सारा बच भी गया था तो उसे वेस्ट करने के बदले मैं उसे आज की इस मजेदार सी रेसिपी में इस्तेमाल करने वाली हूँ। इस तरह से आप ग्रिल चिकन के स्लाइसेस काट लीजिए। वेल, अगर आपके पास लेफ्ट ओवर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस रेसिपी को बना नहीं सकते। बहुत ही सिंपल है, बस चिकन को मैरिनेट करके ग्रिल कर लीजिए एंड योर ग्रिल चिकन इज रेडी। तो बस उस ग्रिल चिकन के आप स्लाइसेस यूज करेंगे इस रेसिपी में। ऑल राइट, जैसे ही ये बटर मेल्ट हो जाए, पैन गरम हो जाए, इसमें हम ग्रिल करेंगे
हमारे ये पेयर के स्लाइसेस को। ये पेयर के स्लाइसेस ग्रिल हो रहे हैं और इसी के बगल में हम ये जो हमारा ग्रिल चिकन है इन्हें भी डाल देंगे टू हीट इट अप नाइसली, थोड़ा सा और ग्रिल करने के लिए इन स्लाइसेस को। बस एक दो मिनट के लिए इसे हम पकाएंगे ताकि वो इट गेट्स दोज नाइस ग्रिल मार्क्स ऑन इट। एंड यहाँ साथ ही साथ चिकन भी हीट हो रहा है फिर से। तब तक मैं एक अपना प्लेट लेके आती हूँ। जस्ट इन फ्यू मिनट्स देखिए ये कैसा ग्रिलिंग इफेक्ट आ गया है इन पेयर्स के ऊपर। तो बस एक छोटा सा पेयर का टुकड़ा लीजिए, देन टेक अ स्मॉल पीस ऑफ चिकन। ऑलराइट, हम लेंगे थोड़े से क्रिस्प्स जो बच्चों को बहुत पसंद है, इस तरह से साइड में रख देंगे। थोड़ा सा केचप डाल के बस, जस्ट गिव अ लिटिल ट्विस्ट। अब जैसा कि मैंने कहा था कि इसे हम सैंडविच की तरह खाएंगे, तो देखना चाहते हैं ये कैसे होता है। बस उठाइए एक पैर, उसके अंदर है आपका ग्रिल चिकन, उसके ऊपर है एक और पैर, एंड जस्ट बाइट इनटू इट लाइक अ सैंडविच। जब तक मैं इसे एंजॉय करती हूँ आप देखिए इसका एक क्विक रीकैप। मैरिनेट करने के लिए सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। पैर को काटे, कोरन की हेल्प से कोर करके स्लाइस करें। अब ग्रिल पैन में बटर को लगाए, पैर स्लाइसेस को मैरिनेटेड मिक्सचर में ऐड करके लेफ्ट ओवर ग्रिल चिकन को पीसेस में काटे। अब पैर और चिकन पीसेस को ग्रिल करके चिप्स और टमेटो केचप के साथ सर्व कर ले। वाकई बहुत ही टेस्टी और यमी, एंड दैट टू विद अ यू नो विद अ स्वीट ट्विस्ट। इससे पहले कि मैं इस पूरे प्लेट को फिनिश कर जाऊं, मैं जाती हूं अगस्त्या के पास, उसे भी थोड़ा खिला के आती हूं। तब तक आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। हम डालेंगे अपना इंडियन देसी तड़का और बनाएंगे देसी पुटिन।